is local and it's good one. I mean, it's not happy metai or nasta bunariu. सुबह चाइना तक करेंगे अभी हम तो इसलिए अभी ये पानी उबलने रख दिया है। उसमें मैं शुगर और चाय पत्ती डालूंगी। अभी चाय में हमने दूध भी डाल दिया है और अभी चाय बन रही है, तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह तो शायद सबको चाय चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में ही अगर चाय मिल जाती है तो फिर दिन बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जिसको भी चाय पसंद है वो कमेंट में एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हमारी चाय तैयार है, तो आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए। अभी सब लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। मम्मी पापा अभी खेत पर गए हैं ग्रास कटिंग करने के लिए, और मैं अभी अपना काम यहाँ पे चालू कर दिया, और टॉवल अभी उसका काम कर रहे हैं। गमला में लगाया है ये पालक, और जो बहुत अच्छा है। और फिर यहाँ पे टमाटर भी है, एक टमाटर का भी पौधा लगाया है, वो भी है, उसमें टमाटर भी आए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे घर पे ही मिल जाएगा टमाटर सब्जी कुछ। देखिए ये टमाटर कितने अच्छे टमाटर है। ये सिर्फ एक डाली ही लगानी पड़ती है, और उसमें से आप देख सकते हो कितना सारा ये निकलता है। जैसे जैसे हम इसको काटते जाएंगे वैसे वैसे ये और निकलता जाएगा। देखो यहाँ पर बीच में चल लीजिए, तो ये चार पांच क्यारी लगाई है बफेलोस के लिए। ये एक बार कटिंग हो गया है, उसमें से ये वापस निकल रहे हैं। देखिए आप, गुजराती में वाढ़ियू खड़ कहवाय, अने जेम जेम तमे वाढो एम एम निकलतुं जाय वधारे ने वधारे। ये ग्रास एक बार लगा दिया तो फिर पूरे साल तक ये चलता रहेगा, क्योंकि इसको जैसे जैसे आप काटते जाएंगे वैसे वैसे ये निकलता जाएगा। ये ग्रास को सिर्फ पानी ही चाहिए, आप पानी दे दोगे टाइम पर तो ये ऐसे ही निकलता रहेगा। हाँ वो भी है, ये ग्रास को ऐसे भिगोना पड़ता है। कटिंग कल की थी ना, अभी आज लगाना है, तो थोड़ा सा ही लगाएंगे, ज्यादा नहीं, तो बाकी रहेगा तो सूख जाएगा इस वजह से।
जी अभी क्या बना रही हो? आज बन रही है साउथ इंडियन डिश। अभी सांभर बना रही है। अभी इसमें तल, लविंग ये सब डाल दिया, ये कमाल पत्र और ये सरसों, फिर थोड़े से किमन सीड। अब यही और बहुत सारा, और ये प्याज टमाटर अदरक सब कटिंग करके रखा था, ये सब डाल दिया। अभी ये जो हमने दाल बनाकर तैयार की थी ना अरहर की, वो डाल देंगे, जो दाल चावल में हम बनाते हैं वही डाल है। अब इसको पूरी तरह से उबालना है ना? उबालना है। अभी इसमें मसाला करेंगे ना थोड़ा सा, हल्दी पाउडर तो डाल दिया, अभी नमक डालेंगे। अभी इसमें थोड़ा आलू डालेंगे, बाकी सब भी डालते हैं। अभी ड्रम स्टिक ये सब, पर अभी ये उतारी नहीं थी, छोटी छोटी थी तो नहीं डाली। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, इसका मसाला बनाएंगे डोसा का। तो उसके लिए ये पहले ऑयल डाला थोड़ा सा, गरम होने देंगे, बाद में उसमें सब मसाले डालेंगे। इसमें ये सरसों डालेंगे और मसाला नहीं डालेंगे। प्याज और टमाटर है वही है, मिर्ची और अदरक ये सब। और अब इसमें हम ये आलू डालेंगे। आलू को इसी तरह से अच्छे से मिला लेना है। देखिए थोड़ी बहुत रसोई तो अब डबल को भी आती है, क्योंकि मुझे ये फेवरेट है ना उसके, इसलिए बाकी बात तो नहीं आएगी। क्यों ऐसा ही ना? अच्छे से ऐसे मिक्स कर देना। इसमें मसाला भी डालना है। ये सेट देखो, सांभर भी अब उबल रहा है, वो भी तैयार होने आया है। नारियल की चटनी तो नहीं बनाई, थक गए थे और फिर काम भी बहुत ज्यादा था, खेत पर से अभी आए हैं रात के, तुरंत ये स्टार्ट कर दिया। ये कौन सा मसाला है? ये सांभर मसाला है। सांभर मसाला डालते ही उसकी स्मेल आने लगती है। देखिए नमक डालेंगे थोड़ा सा, नमक काफी कम है, तो मिक्स कर देंगे। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। ये हम गार्निशिंग नहीं करते ना, हम तो सिर्फ उसका टेस्ट लेने के लिए डाल।
और यहाँ पे अभी ये दूसरी बफेलो का भी मिल्किंग हो गया, तो मम्मी अभी दूध डाल रही है।